अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये लेक्चर कुरानी कोर्स और मुस्लिम में वापस सुन रहे हैं। वनहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फतह, इसकी कुल 29 आयतें और 4 रुकू हैं। अल्फत का मायनी होता है खोलना, यानी किसी बंद चीज़ का खोलना। अल्लाह ताला इसमें क्या है, ऐसे मौके पे मुसलमानों को फतह की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं जिस पर इंसान सोच भी नहीं सकता कि क्या ये वाकई इसको मिलने वाली है। इतने इंतहाई मुश्किल और कठिन हालात में जब आपको कोई क्या फतह या आपको कामयाबी की खुशखबरी सुनाए तो आप यकीन करेंगे, तो यकीन करना मुश्किल लगता है। तो इसी तरह चंद सहाबा का भी हाल हुआ कि जब इन सुलह हुदैबिया के मौके पे जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और वो सुलह एक नाकामी लग रही थी मुसलमान को बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह ताला ने वहीं पे क्या ये सूरत नाजिल की और क्या उस वक्त का फतह मुबीना की खुशखबरी दी। चलिए जी देख लेते हैं इसकी आयात। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्ना फतहन लका फतहन मुबीना, ए नबी पाक हम आपको एक खुली फतह की खुशखबरी देते हैं। कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि वो आप पुरअमन तरीके से मक्का में दाखिल हो रहे हैं और उमरा अदा कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इस ख्वाब का जिक्र किया तो ये एक नामुमकिन सी बात लगी, क्योंकि क्या है, जब मुसलमान हिजरत करके वहाँ से आ गए थे तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लम और आपके साथियों पे मक्का वापस आना मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया था। और फिर क्या है, उमरा एक नामुमकिन सी चीज़ बन गई थी और मुसलमानों पे यह पाबंदी बहुत शौक गुजर रही थी कि वो क्या है कैसे उन्हें अल्लाह ताला के घर से रोक दिया गया है। बहरहाल आप सल्लम ने जब इस ख्वाब का जिक्र करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लम ने यह 1400 सहाबा के साथ उमरे पे जाने की तैयारी की और मक्का के लिए निकल गए, लेकिन मक्के के करीब हुदैबिया के मुकाम पे काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और उमरा नहीं करने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को अपनी नुमाइंदा बना के मक्के भेजा ताकि वो कुरैश से गुफ्तगू करके इन्हें मुसलमानों को उमरा करने की इजाज़त पर आमादा करें, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मक्का जाने के बाद इनकी शहादत के ख्वाब फैल गए, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का बदला लेने के लिए बैत दी, जो बैत रज़वान कहलाती है, और इसका जिक्र भी इस सूरत में मौजूद है। ये अफवाह गलत निकली कि क्या हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं, ताहम क्या कुफार मक्का ने इनको इजाज़त नहीं दी कि वो उमरा करें और मुसलमानों ने आइंदा साल के वादे पर वापसी का इरादा कर लिया, वहीं अपने सर भी मंडवा लिए और कुर्बानियाँ भी कर ली। नीस कुफार से इन चंद बातों का मुहिदा हुआ जिन्हें सहाबा की अक्सरियत नापसंद करती थी, लेकिन निगाह रसालत के इस दो असरात का अंदाज़ा लगाते हुए कुफार की शरायत को सुलह का बेहतरीन तरीका समझा। हुदैबिया से मदीने की तरफ आते हुए रास्ते में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें सुलह को फतेह मुबीन से ताबीर किया गया, क्योंकि फतेह मक्का का पेश खैमा साबित हुई और इसके 2 साल बाद ही मुसलमान मक्के में फातहाना तौर पर दाखिल हो गए। इसलिए बाद सहाबा कहते थे कि तुम फतेह मक्का को फतह शुमार करते हो, लेकिन सुलह हुदैबिया ही असल में फतह थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की बाबत फरमाया कि आज की रात मुझ पर वो सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया और माफिया से ज़्यादा महबूब है। क्योंकि इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा किससे लगाया जाए कि दुनिया और माफिया से ज़्यादा महबूब है मुझे ये सूरत। इसके 4 रुकू 39 आयात हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ। यहाँ पर बात हो रही है ताकि जो कुछ तेरे गुना आगे हुए और जो पीछे तेरे अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे और तुझसे अपने पूरा एहसान पूरा कर देंगे और तुझे सीधी राह पे चलाएंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब किया जा रहा है कि क्या आपके गुनाह माफ़ कराएंगे, तो उससे क्या मतलब कि इससे मुराद तर्क ओला काम है, जिस लेवल का काम नबियों को करना चाहिए उस लेवल का काम ना करना, उसे कम का काम कर देना, लेकिन वो भी बेहतरीन काम हो, बेहतरीन तरीका हो, तो वो भी नबियों के उसके ख़ता शुमार होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपसे पहले गुनाह हो चुके हो जो बाद में अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे, जिस तरह के हैं
حضرت عباس نے عبداللہ بن ابن مخدوم کا واقعہ کہ ان سے آپ نے چہرہ منہ موڑا. کس وجہ سے منہ موڑا؟ یہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات کو کہا کہ آپ کے اخلاق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی سے حاجت کے لیے آئے اور آپ اسے منہ موڑے. تو یہاں پہ کیا ہے، ان اس طرح کے چھوٹے خلاف درجے اولا کاموں کو کیا ہے نبیوں کی خطائیں شمار کیا جاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. تو یہاں پہ خلاف اولا کاموں کے لیے بخشش مانگی جا رہی ہے کہ شان الفا کاموں کے خلاف آپ کے کیا ہے آئندہ یا اس سے پہلے جو آپ سے ہو چکے معاف کر دیے جائیں گے. پھر ہے آگے کیا بات ہوتی ہے، تجھ پہ احسان پورا کر دیں گے، تجھے سیدھی راہ پہ چلائیں گے. یعنی اس دین کو جو تم دعوت دے رہے ہو، جس کو طرف تم بلا رہے ہو، اس کو فتح و غلبہ عطا فرمائیں گے اور مغفرت و ہدایت و استقامت عطا فرمائیں گے اور تجھے سیدھی راہ پہ چلائیں گے. یعنی اس راستے پہ تجھے استقامت نصیب ہوگی، ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تجھے نصیب ہوں گے. وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وہ آپ کی زبردست مدد دیں گے. یعنی کیا ہے، اس تمام معاملات میں کہ تجھے فتح مبین عطا کی جائے، آپ کو جو ہے دین پہ استقامت عطا کی جائے، آپ کی مغفرت و ہدایت کا سبب بنا جائے، تو ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین مدد فرمانے والے ہیں. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے اطمینان کے ساتھ وہ ایمان میں بڑھ جائے. یعنی جو صلح حدیبیہ کی شرائط ہے جو بظاہر تو مسلمانوں کو اپنے خلاف لگ رہی ہیں، اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کے بعد صحابہ کرام آپ کے دلوں میں سکینت ڈال دی اور ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون اور ایمان میں اضافے کا سبب بنائے. وہ آسمان و زمینوں کا کل لشکر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کفار کو ہلاک کروا دیا اور اپنی حکمت والا سے ان کو کہے کہ تعلق جہاد کا مسلمان کو حکم دیا. اور کیا ان موقعوں پہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد و احکامات کا قتال کا حکم دیا، اس پہ بھی مسلمانوں کی مدد کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے. اور کیا مسلمانوں غزوہ بدر غزوہ احد میں فرشتوں کی مدد سے جنگیں جیتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دانا ہے اور باحکمت ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف آپ سے قربانی تو مانگتے ہیں لیکن اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. یہ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ انسان راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے یہ سکون اس کو مزید نیکیوں اور ایمان میں آگے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو یہ سوچنا کہ مشکل حالات کیوں آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بننے کے لیے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کی جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے گا. اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی کیا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو مسلمانوں کے نے اپنے آپ کو کم کر کے کیا دشمنوں کی شرائط کو مانا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اب اس پہ صلح کرنے والے کیا ہے تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کے لیے جنت ہے. جس کیسی جنت، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہے ہمیشہ کا گھر ہوگا وہ، اور ان سے گناہ دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ مشرکات الزانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعانہم وعد اللہ جہنم وساعت مصیرہ. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں. تو منافقین کیا بدگمانیاں اور مشرکین کیا بدگمانیاں رکھتے تھے کہ کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اعلان کیا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور ارد گرد کے قبائل کو بھی کہا کے چلے عمرے کے لیے، تو ان میں سے اکثریت نے انکار کر دیا اور صرف 1400 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا عمرے پہ جانے کے لیے. تو اب جو پیچھے رہ گئے تھے، جو اس میں منافقین بھی شامل تھے اور کیا ہے مشرکین بھی شامل تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے. کیا گمان کر رہے تھے کہ کیا ہے آپ کو یا تو آپ مغلوب ہو جائیں گے یعنی ہار کے آئیں گے، یا قتل کیے جائیں گے، یا ہی دین اور یہاں پہ دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوئے، نے لعنت کی ان کے لیے، دوز اختیار کی اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی کیا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا، یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کر لی کہ اللہ تعالیٰ
अपने बंदों की मदद नहीं करेगा। वलिल्लाह जुनूदु समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं और अल्लाह ग़ालिब और हिकमत वाला है। तो क्या है, अल्लाह यहाँ से मुनाफ़िकीन और कुफ़ार के दोबारा बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को इसी तरह हलाक करने पर क़ादिर है, और अल्लाह ताला जिसने चाहे जिस दुश्मन को मोहलत दे दे, यानी कुछ ज़मीन के लश्कर आते हैं, ज़मीन आसमान से लश्कर आते हैं जो अल्लाह ताला की इज़्ज़त से मुसलमानों की मदद करते हैं, और कुछ लोगों को छूट दे दी जाती है उनके आमाल में। इन्ना अरसलना का शाहिद मुबशिर व नज़ीर, हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। तो यह क्या बात हो रही है कि नबी सल्लम की बात हो रही है कि आप सल्लम को गवाही देने वाला बना के भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला, यानी किस चीज़ की, कि अच्छे अमाल करो कि तो जन्नत मिलेगी, और डराने वाला बना के भेजा है कि अगर इस दिन पे ना चले और क्या अपनी ख्वाहिशात नफ्स से पीछे ही पड़े रहे, तो क्या उसके ऐसे लोग के लिए फिर क्या दीन के छोड़ देने वालों को के लिए अजाब है। किस चीज़ का अजाब है, जहन्नम से डराए जाना, नज़ीरा डराने वाले हैं, जहन्नम से डराने वाले हैं। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किलूहु व तुसब्बिहूहु, ताकि ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ, उसकी मदद करो, उसका अदब करो, अल्लाह की पाकी बयान करो। अब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को और क्या कहा जा रहा है, और यानी सहाबा किराम को हमें क्या है, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लेके आओ, उसकी मदद करो, यानी उसकी मदद करो। अल्लाह ताला को हमारी मदद की, हमारे रसूल को हमारी मदद की जरूरत नहीं, बल्कि यानी उसके पैगाम दीन हक को आगे पहुँचाने के लिए उसकी मदद करो, मुबल्लिग़ बनो और इसका अदब करो। यानी क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब की बात हो रही है कि उनको अदब से पुकारो और अल्लाह की पाकी बयान करो और सुबह शाम, और अल्लाह ताला का हक बताया जा रहा है कि क्या है मुश्किल वक्त में, और क्या करो कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करो सुबह शाम और दीगर हालात में आम रूटीन में भी, ताकि क्या है जब मुश्किल आए तो क्या है अल्लाह ताला उन्हीं असकार उन्हीं सुबह शाम की अल्लाह ताला की पाकी बयान करने की वजह से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। इन्नल लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह यदुल्लाहि फौक अयदीहिम, जो लोग तुझसे बैत करते हैं यकीन अल्लाह से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, बैत रिजवान की बात हो रही है। बैत रिजवान से मुराद है यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की अफवाह जो फैली थी, उसके बाद जब नबी सल्लम ने इनसे इंतकाम लेने के लिए हुदैबिया में मौजूद 1400 मुसलमानों से वादा लिया था, कि क्या है किस चीज़ का वादा था, किस चीज़ पे बैत थी, कि हम जान दे देंगे लेकिन मैदान जंग से नहीं मांगेंगे, हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का खून का बदला लाजमी लेंगे। तो अल्लाह ताला के कहते हैं उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ था, उनके हाथों पे अल्लाह के हाथ था, कि ये रिजवान बैत रिजवान में अल्लाह ताला बताते ख़ुद भी शरीक थे। तो जो शख्स अहद शिकनी करेगा वो अपने नफ्स पे अहद शिकनी करेगा, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे तो इस तो जो इसने अल्लाह के साथ किया है तो इसे इनकरीब अल्लाह ताला बहुत अजर देंगे, यानी कि क्या है अल्लाह ताला इनकी मदद करेंगे। जो शख्स अहद को पूरा करेगा अल्लाह ताला उसके रसूल की उसकी मदद ज़रूर करेंगे, और क्या है यहाँ तक कि मुसलमानों को फतह व गलबा नसीब हो जाए। सयकूलु लकल मुखल्लफून मिन अलअराब शगलतना अमवालुना व अहलुना व मस्तगफिरलना यकूलून बिअलसिनतिहिम मा लैस फी कुलूबिहिम, देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए हैं वो अब तुझे से कहेंगे हम अपने माल और बाल बच्चों के में लगे रह गए, बस अब हमारे लिए मगफरत तलब कीजिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब नबी सल्लम ने ख्वाब देखा, उसके बाद क्या है मदीना में और किसके कबाइल में क्या ऐलान किया कि क्या है उम्रे के लिए तैयारी करें, तो क्या है इसमें से अक्सरियत कबीलों ने कहा कि क्या मक्का के हालात साजगार नहीं है, वह काफिलों का गलबा है, मुसलमान कमज़ोर हैं, उम्रे के लिए जाएंगे तो हथियार नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे में अगर काफिलों ने मुसलमानों पे हमला कर लिया, लड़ाई का फैसला कर लिया, तो मुसलमान खाली हाथ हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। इसी सोच को लेके उन्होंने क्या है तरह तरह के उज़र बहाने बनाने शुरू किए, कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमें अपने माल बच्चों ने मसरूफ़ कर लिया था, इसलिए हमारे लिए मगफरत कीजिए कि हम इतने अहम मौके पर आपके साथ नहीं गए। तो अल्लाह ताला ने पहले से इनको आगाह कर दिया कि क्या है ये तरह तरह की मशगूलियात का बहाना बनाएंगे, ओके क्या क्या कहेंगे कि हमारे पीछे हमारे घरों की निगरानी करने वाले, हमारे बच्चों की निगरानी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमें तो रुकना पड़ गया। हालांकि अल्लाह ताला उनके दिलों का नफाक खूब जानता है, उनके अंदेशे मौत की वजह से रुक गए थे कि क्या है मुसलमान बग़ैर हथियारों को जा रहे हैं, और अगर काफिरों ने हमला कर दिया तो हमारा क्या बनेगा। ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है, यानी कि इनकी ज़ुबानों में क्या था, ये जो बात कर रहे हैं असल खौफ ये नहीं था, बल्कि असल खौफ था इन्हें मौत का खौफ था। आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का भी कौन अख्तियार कौन रखता है, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे
यानी कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे माल उठाया करने और तुम्हारे अहल को हलाक करने का फैसला कर ले तो तुम में से कौन अख्तियार रखता है कि वो अल्लाह को ऐसा करने से रोक सके। तो यह क्या इस अल्लाह ताला यहाँ पे होते हुए भी तुम्हारे साथ ये मामला कर सकता था अगर तुम्हारे लिए नुकसान लिखा होता या तुम्हें कोई नफ़ा देना चाहे या तो बिल्कुल जो तुम कुछ कर रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है, बाखबर है। यानी तुम्हारी मदद पहुँचाना तुम्हें गनीमत से नवाजना, तो अगर अल्लाह ताला तुम निकलते तो अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा पहुँचाने से रुकता नहीं। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए नफ़ा लिख दिया था तो वो तुम्हें ज़रूर मिलता। लेकिन क्या है, तुमने क्या है उससे उलट मामला किया और नबी सल्लम के साथ जाने से ही इनकार कर दिया। बल जनन तुम अल्लाह करीब रसूल मोमिन अबदा वज़ीन ज़ालिकलो भी वजन तुम अनसूँ तुम कौम बूरा। नहीं, ये वजह नहीं थी ये जो तुम बता रहे हो कि क्या है तुम अहल अयाल में मशरूफ़ रखा, बल्कि तुम क्या है तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों को अपने घरों की तरफ लौट के आना कतन नामुमकिन है और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था दरअसल तुम लोग वो ही हलाक होने वाले। यहाँ पे क्या कहा जाए कि इनको था कि बुरा गुमान क्या रखा था कि नबी सल्लम की मदद नहीं होगी और यही बुरा गुमान क्या है अल्लाह ताला ने कहा कि इस वजह से ही तो क्या तुम लोग ने नबी पाक सल्लम के साथ जाना गवारा नहीं किया। तो क्या जो नेकी के कामों में पीछे रह गया तो बस पीछे ही रह गया। और सुलह हुदैबिया में शिरकत करने वालों के लिए तरह तरह की खुशखबरी अल्लाह ताला ने रख दी। दरअसल तुम लोग ही हो जो हलाक होने वाले हो। अल्लाह ताला क्या कह रहे फरमा रहे हैं कि बुरा क्या होता है हलाक होना, यानी वो लोग जिनके मुकद्दर हलाकत है अगर दुनिया में अल्लाह के हिसाब से बच भी गए तो आखिरत में हिसाब से नहीं बच सके, वहाँ पे इनको दुगना अजाब मिला जाएगा, हर सूरत में हिसाब दिया जाएगा। दरअसल तुम लोग हो ही हलाक होने वाले। मन बिल्लाह व रसूल फ़ातरा, और जो शख्स अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान ना लाए हमने भी ऐसे काफिलों के लिए देखती अख्तियार कर रखी है। ठीक है, जो ईमान ना लाए अल्लाह पे उसके रसूल पे फिर क्या ऐसे लोग के लिए काफिरीन के लिए दहकती आग तैयार है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ व कानल्लाहु ग़फ़ूरुर रहीमा, और ज़मीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अज़ाब करे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कि इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से तौबा की जाए, अल्लाह ताला की तरफ लौटा जाए, अपने नफाक से तौबा कर ली जाए। तो क्या है अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बख्शने वाला है, लेकिन क्या है अपनी ज़िंदगी में ही मौत को देख के नहीं। सयकूलुल मुखल्लफून इज़न तलक्तुम इला मगानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिउका युरीदून अन युबद्दिलु कलामुल्लाह, जब तुम गनीमतें लेने लग जाओ जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़ देंगे, वो लोग कहने लगेंगे हमें भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए, वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम को बदल दें। अब कह दी आप कसम कह दीजिए कि अल्लाह ताला आप पहले ही फरमा चुके हैं तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे, और इसका जवाब देंगे नहीं नहीं बल्कि तुम हमसे हसद करने वाले हैं। असल बात यह है कि ये लोग बहुत ही कम समझते हैं। यहाँ पे क्या है जिक्र के गनीमतें ले जाने लगोगे लेने लगोगे तो ये फौरन पीछे आएंगे, या इसे मुराद है ग़ज़वा खैबर का मौका जिसमें फतह की नवीद अल्लाह ताला ने पहले सुना दी थी। तो अब जो हदीबिया में लोग गए थे तो उनको भी माल गनीमत हासिल हुआ, तो सिर्फ हदीबिया में शरीक होने वालों का हिस्सा होगा ग़ज़वा खैबर में भी। चुनाचे हदीबिया से वापसी के बाद आप सब ने यहूदियों को मुसलसल ऐसे सीखने की वजह से खैबर पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया, तो मस्कूरा पीछे रह जाने वाले लोगों ने क्या कहा कि माल गनीमत के हसूल के लिए आसम के साथ हाजिर हुए कि क्या हम भी ग़ज़वा खैबर के लिए निकलेंगे। आप तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल में तेरी आपकी मदद के लिए नहीं निकल रहे, दीन की बुलंदी के लिए नहीं निकल रहे, इनकी नीयतें क्या हैं गनीमत हासिल करना। और भी क्या अल्लाह के कलाम को बदल दें, यानी वो क्या है इससे मुराद है कि अल्लाह के खैबर की गनीमत को अहले हुदैबिया के लिए खास करने का वादा किया है, लेकिन मुनाफ़िकीन इसमें शिर्क हो के अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला के वादे को बदलना चाहते हैं। आप कह दीजिए अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुके हैं तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे, यानी अल्लाह ताला ने इनको ना जाने का पहले से ही कह दिया। जब उन्होंने मुश्किल वक्त में मुसलमानों का साथ नहीं दिया जब उनकी ज़रूरत थी, तो अब क्या है कामयाबी के मौके पे उनका साथ होना कोई मायने नहीं रखता। तो क्या है जब उनको मना करेंगे वो उसका जवाब देंगे नहीं नहीं हम तो हसद कर तुम हमसे हसद करते हो। यानी क्या है जब उनको कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त नहीं दी कि आप हमारे साथ चलेंगे, तो वो कहते हैं कि आप वो इस चीज़ का डर है कि आप लोग हमसे हसद करें कि हमें भी माल गनीमत बने मिलेगा, इसलिए आप हमें जाने से रोक रहे हैं।
दरअसल ये बात है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये क्या इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या दीन पे जब मुश्किल वक्त आता है और जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, उनका अजर पीछे रह जाने वालों को, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को प्रेफर करने वाले को बराबर नहीं हो सकता। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدیوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم ایک شخص جنگجو جو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان میں سے لڑو گے یا مسلمان وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا اپنی جیسے اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدیوں سے کہہ دو کہ ان قریب تمہیں ایک سخت جنگجو کی طرف قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم اسے لڑو گے یا مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ غزوہ حنین کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ہے کہ جلد ہی تمہیں کہے کہا جا رہا ہے کہ ایسے جنگجو کا مقابلہ کرنے پڑے گا جو بہت سخت ہوگا، اوکے تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی آپس میں، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے گا، یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پہ غزوہ حنین کے ساتھ مل کے لڑو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے اور آخرت کے پیچھے گناہوں کی مغفرت اور جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں غنیمت، آخرت میں گناہوں کی مغفرت اور جنت ملے گی۔ ابھی تو فی الحال تم نہیں جا سکتے غزوہ خیبر میں، لیکن غزوہ حنین کے موقع پہ تمہیں جنگ لڑنا پڑے گی، اور کیا اپنی مسلمان اپنے ایمان کا اظہار کرنا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا، اور اگر اس نے منہ اب اس کسی نے منہ موڑا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب کیا اس سے کیا مراد ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنے والے کے لیے کیا دردناک عذاب ہوگا؟ لیس علی العام حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اندھے پہ کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پہ کوئی حرج ہے، نہ بیمار پہ کوئی حرج ہے، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، جو منہ پھیر لے سے دردناک عذاب دینے کی سزا کا وعدہ ہے۔ یعنی بصارت سے محروم لنگڑے اپنی معذوری کی وجہ سے تو نہ جانے والوں کے لیے عذر تھا، ان کے لیے تو عذر لازمی ہے، ان کے لیے یہ جہاں سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں۔ حرج کے معنی گناہ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ جو بیماری ہیں عارضی عذر ہیں جب تک وہ واقعی بیماری ہیں۔ شرکت جہاد سے مستثنی، بیماری دور ہوتے ہی وہ حکم جہاد دوسرے مسلمان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یعنی کیا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اندھے تھے جن کی کوئی کیا ایسی کمزوری معذوری ہے تو ان کے وہ جہاد سے بری ہیں، مگر جو وقتی طور پہ بیمار ہیں اوکے وہ صحت مند ہوتے ساتھ ہی اس بیماری سے اس جہاد میں شرکت کرنے سے مستثنی ہو گئے ہیں، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کر گیا جس کی طرح درختوں تلے نہریں جاری ہیں، جو منہ پھیلنے سے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ یعنی اصحاب بیت رضوان کے لیے رضاء الہی ہے کہ انہوں نے اپنے پکے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، اور کیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا دے دی ہے۔ تو بیعت کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کرنے کو، کوئی چیز دے کے کوئی چیز خرید لینا، لے لینا، سودا کرنا۔ تو انہوں نے کیا اپنی جان کے بدلے کیا لیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو لے لیا، ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا۔ یعنی کہ کیا اس موقع پہ جب کیا ہے ایک درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی تو وہ قریشی مکہ سے لڑیں گے، راہ فرار یعنی میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، تو ان کے دلوں میں جو صدق تھا، جو جذبات تھے وفا کے، اللہ تعالیٰ ان سے واقف تھا کہ ان سے دشمنان صحابہ کا رد ہو گیا جو کہتے تھے ان کا ایمان ظاہری ہے دل سے منافق ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ان لوگوں کے ایمان پہ شک کیا جا رہا تھا، انہوں نے ان لوگوں نے بیعت پہ کہہ کر کے اپنی منافقت پہ نہ ہونے کا ثبوت دے دیا۔ یہ پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان پہ اطمینان نازل فرمایا، کیا اطمینان؟ کہ بیعت رضوان اور اطمینان، موت پہ بیعت ہو رہی ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کیا ان کی جنگ کی نیت نہیں تھی، وہ کیا اپنے ساتھ جنگی ہتھیار نہیں لے کے گئے تھے، اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت دی، تو انہوں نے بلا تامل
कोई बगैर बहाने झगड़ा किए उधर बहाने किए इस जंग को लड़ने पे आमादा हो गए। और यानी इनके मौत का खौफ इनके दिलों से निकाल के इनकी इसकी जगह सब्र और सकीनत इन पे नाजिल फरमा दी, उन्हें लड़ने का हौसला दिया, इन पे इत्मीनान नाजिल फरमाया, इन्हें करीब की फतह नायत फरमाई। और इससे मुराद यानी कौन सी फतह है, फतह खैबर है जो यहूदियों का घर था, और हुदैबिया से वापसी में मुसलमानों ने इसे फतह किया था। मगानी में कसीदे थे याखुजूना मकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, वो क्या इन्होंने बहुत सी गनीमतें हासिल की, यानी इसके बाद दर पे बैदर पे यह फतह नसीब हुई, और फतह जो नसीब हुई तो उसके बाद क्या है गनीमतें मुसलमानों को मिलती गई जो खैबर से हासिल हुई। नहायत क्या कैसे गनीमतें थे जो खैबर के बाद हासिल हुई थी, ज़रखेज़ और शदाब इलाका था, तो इसी हिसाब से इसमें क्या गल्ला और खजूर के दरख्त बेहिसाब थे। मुसलमानों को बड़ी तादाद पर माल गनीमत हासिल हुआ जिसे सिर्फ अहले हुदैबिया में ही तकसीम किया गया था। और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। वअदकुमुल्लाह मगानिम कसीरतन तअखुदूनहा फजअललकुम हाज़िहि वक़फ़ा अयदिन्नास, अल्लाह ताला ने तुम में से बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही ता कर दी है और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया है ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए ताकि वो तुम्हें सीधी राह पे ले चलें। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बहुत सारे गनीमतों का फ़ायदा किया है कि यानी ये सिर्फ एक फतह नहीं थी ग़ज़वे खैबर की, इसके बाद क्या है मुसलमानों ने पैदल पे बहुत सी फतूहत हासिल की और फतह मक्का तक पहुँचे, जिन्हें तुम हासिल करोगे बस ये तुम्हें जल्द ही इता फरमा दे, यानी बहुत जल्द यानी फतह खैबर सुलह हुदैबिया और क्या मुसलमानों को फतह हासिल हुदैबिया में क्या हुआ फिर वो लोगों के लिए हाथ तुमसे रोक दिए गए। ये क्या है जंग का जो मामला नज़र आ रहा था हुदैबिया में उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या है उनके हाथ रोक दिए। इसी तरह खैबर में भी क्या है कोई जंग ना ही हो, जंग के बगैर ही मुसलमान माल गनीमत हासिल करके आ गए ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए कि क्या है तस्करा पढ़ ले, पढ़ने वाले इस वाक़े को जब पढ़ें तो उनको अंदाज़ा हो कि मुसलमानों की किल्लत में होने के बावजूद अल्लाह ताला उनका मुहाफिज है और दुश्मनों को गालिब करने वाला नहीं है। और इससे क्या पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पता चलती है कि अल्लाह ताला ने जो बातें उन पर नाज़िल की वो एक एक हर्फ सच साबित हो, यानी अल्लाह ताला ने क्या किया उन्हें तुम्हें सीधी राह चलाएगा यानी हिदायत पर इस्तकामत अता फरमाएगा, तुम्हें हिदायत उन्हें और ज़्यादा कर देगा। व अखर लम तकदीरू अलैहा कद अहाता अल्लाहु बिहा, और तुम्हें वो गनीमतें भी देगा जिस पर अब तक तुमने काबू नहीं पाया, अल्लाह ताला ने इन्हें अपने काबू में रखा है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मुसलमानों को फतूहत हासिल होंगी, इससे हासिल होने वाली जो गनीमतें हैं उनकी तरफ इशारा है, यानी मुसलमानों को क्या है इस तरफ से बेफिक्र होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उनकी फतूहत का अहाता किया हुआ है कि उनका दायरा वसी किया हुआ है इस हवाले से कि इसके बाद तुम्हें गलबा तक होगा। ओके इसमें कोई शक वाली नहीं बात है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, जब चाहेगा तुम्हें गलबा अता करेगा। वलौ कातलकुमुल्लज़ीना काफ़रू वल्लबार सुमला वली उमला नसीरा, अगर तुम काफ़ी से जंग करते हो तो यकीन पीठ दिखा के भागते फिर ना कोई खास पाते ना मददगार, यानी हुदैबिया के मौके पे क्या है जंग मतवक्की होती मगर अल्लाह ताला ने क्या किया कि वहाँ पे से सुलह का रास्ता निकाल दिया और जंग हुई नहीं। और ये सब कुछ क्या कौन करने वाला था, अल्लाह ताला करने वाला था। सुन्नतुल्लाह अल्लती कल खलत मिन कबली वलन तजिद अली सुन्नतुल्लाह तब्दीला, अल्लाह के इस कायदे के मुताबिक जो पहले से चला आया है तो कभी भी अल्लाह के वादे कायदे को बदलता हुआ ना पाओगे। ये क्या है ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला की आदत है जो पहले से चली आ रही है कि जब कुफर ईमान के दरमियान मुआरका होता है तो अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद करते हैं, हक की सरबुलंदी के लिए मदद अता फरमाते हैं। और इसी तरह सुन्नत अल्लाह के मुताबिक बदर में भी तुम्हारी मदद आई है। वहुअल्लज़ी कफ़ा अयदीहुम अन्कुम वअयदीकुम अन्हुम बिबत्नि मक्का, वही है जिसने खास मक्का में काफिरों के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को इनसे रोक के रखा है इसके बाद कि तुमने तुम्हें इस पर गलबा दे दिया और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला इसे देख रहा है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हुदैबिया में थे तो काफिरों ने 80 आदमी जो हथियारों से लैस थे इस नीयत से भेजे कि अगर इन्हें मौका मिल जाए तो धोखे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर ये जब ले तनीम के मुकाम पर हुदैबिया से के मुकाम पे मुसलमानों को इल्म हो गया कि ये लश्कर निकला है तो मुसलमानों ने सहाबा कराम ने आगे बढ़ के इनको गिरफ्तार कर दिया और बारगाह सालों में पेश कर दिया।
इनका जुर्म तो बहुत बड़ा था, शदीद था, सजा दी जा सकती थी, लेकिन इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बजाय सुलह को तरजीह दी और यहाँ पे क्या है, इन सबको माफ़ कर दिया। और जब माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला के एहसान का जिक्र कर रहे हैं, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला इसे देख रहा है, यानी ये तुमने जो एहसान का मामला किया है दुश्मन के साथ, अल्लाह ताला इसे वाकिफ़ है। हुमुल्लज़ीना क़फ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिद अल-हराम वल-हदिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, तुमको मस्जिद अल-हराम से रोका, कुर्बानी के मौकूफ जानवरों को कुर्बानी में गाहों में पहुँचने से रोका। यानी अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोगों ने किस मौके पे किस दुश्मन से अहद किया, उनको माफ़ किया कि जिस वक्त क्या है तुम्हें उन्होंने अल्लाह ताला की राह में जाने से रोका, इसके बावजूद तुमने क्या है उनसे एहसान का मामला किया, कुर्बानी की गई। कहा जाता है कि क्या है हुदैबिया के मुकाम पे ही क्या है मुसलमानों ने एहराम उतारे, कुर्बानी की एहराम उतारे, और क्या है ये सब कुछ करके मामला करके मुसलमान वहाँ से निकल खड़े हुए मक्के में के बजाय क्या है किस नियत से निकले थे मक्का जाने के उमरे की नियत से, मगर इनके ये सब कुछ नहीं हुआ, और उसी मुकाम पे ये सब मामला करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके दोबारा से चले। अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मरते और बहुत सी औरतें ना होती जिनकी तुमको खबर ना थी, यानी इनके पास फिस जाने का इहतमाल ना होता, जिन पर इनकी वजह से तुम बेखबरी में ज़रा पहुँचते और तुम्हें लड़ने की इजाज़त ना दी जाती, यानी क्या है कुछ लोग वहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं ये मामला करके अल्लाह ताला ने उन लोगों को बचा लिया जिन मक्का में रहते थे, मुसलमान थे दिल से मगर इजहार नहीं कर पा रहे थे। अगर इस मौके पर क्या मुसलमान हमला कर देते तो तुम इनको ना पहचान पाते कि ये मुसलमान है, कलमा गो है, दिल से ईमान वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सुलह करके क्या है तो तुम्हें भी क्या है उन लोगों को भी क्या है उनकी भी एक खैर ख्वाही की कि क्या उनके साथ मामला किया, उनकी हिफाजत की कि क्या उनका जो ईमान छुपा हुआ था वो बताए मौके के मौके पर उन्होंने ओपन किया। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर क्या है उनके एक ज़ाहिर मुसलमान नहीं जानते थे क्या वो हलाक कर डालते। फिर क्या इसके बाद कहा जाता है कि इसके जिसकी वजह से तुम्हें को बेखबरी थी, यानी मुसलमान बेखबर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था, तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त दे दी जाती। अगर ऐसा ना किया गया ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल करते, अगर ये अलग अलग होते इनमें जो काफिर थे हम इनको दर्दनाक सजा देते। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनका ईमान खुला होता यानी तो उस वक्त क्या है अल्लाह ताला इजाज़त दे सकते थे कि तुम क्या जंग करो, लेकिन उस वक्त इनका ईमान छुपा हुआ था तो इन्होंने क्या है अल्लाह ताला ने इनकी इस तरह मदद की। इस जाल्लज़ीन ग़फ़रू फ़ी क़ुलूबिहिम हमियत अल-जाहिलिय्यह वअन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, और जब काफिरों को अपने दिलों की हमियत को जगह दी, हमियत भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ताला ने इन्हें रसूल पर और मोमिनीन को अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवे की बात पर जमाए रखा और इनके अहल और ज़्यादा मुस्तहिक थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। जबकि इनके काफिरों ने अपने दिलों में हमियत को जगह दी, हमियत भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई। तो हमियत से क्या मुराद है, आर गुरूर, इससे मुराद है कि अहले मक्का जो के जो मुसलमान थे मक्का दाखिल होने से जो रोके गए थे उन्होंने कहा कि क्या क्यों रोका, उन्होंने कहा कुफार ने क्यों रोका मुसलमानों को, उन्होंने कहा कि हमारे बाप बेटों को उन्होंने कत्ल किया है, लात और उज़्ज़ा की कसम खाई है कि यहाँ भी दाखिल नहीं होंगे, और इन्होंने इस चीज़ को अपनी इज्जत और वक़ार का मसला बना लिया, तो इसको हमियत जाहिलिया क्या जा रहा है, क्योंकि खाने काबा में इबादत के आने से रोकने किसका किसी को हक हासिल नहीं था, लेकिन कुरैशी मक्का ने जो क्या है इस चीज़ को अपनी अना वक़ार का मसला बना लिया। तो क्या ये अगर ये चीज़ उन्होंने अना वक़ार का मसला बना लिया तो मुसलमान भी क्या है ज़ाहिर उनके दिलों में भी इस घर की मोहब्बत थी, तो उनके लिए भी क्या है अल्लाह ताला ने जब ये आमना सामना होता और सुलह ना होती जंग की तरफ बात जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो अल्लाह ताला ने क्या किया इस ख़तरनाक जंग से इस ख़तरनाक लड़ाई से जान कैसे छुड़ाई, सुलह का मौका पैदा किया और मुसलमानों ने दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई कि इन्हें सब्र और तहम्मुल दिया ऐसे मौके पर जिस वक्त वो क्या अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे कि क्या वो अल्लाह ताला के घर से क्यों रोके गए हैं। फिर क्या है जब ये चीज़ें मुसलमानों को उस वक्त नागवार और गरानी महसूस हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुरैश मक्का के नुमाइंदों से ये बात तस्लीम कर ली कि इस साल मुसलमान होने के लिए मक्का नहीं जाएंगे, वहीं से वापस हो जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुआहिदा लिखने का हुक्म दिया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी, तो उन्होंने इस बात पर इतराज़ किया कि रहमान रहीम को हम नहीं जानते, हमारे यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके साथ यानी इसको लिखा बिस्मिक बि अस्मिक अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह तेरे नाम से लिखे, चुनाचा आप ने इसी तरह लिखवाया, आप ने लिखवाया ये वो दस्तावेज़ है जिसमें मोहम्मद ने अहल मक्का से मुसालत की है, कुरैश के नुमाइंदों ने कहा यह अख्तलाफ की बुनियाद तो आप की रसालत है, अगर आप को रसूल मान लेंगे तो उसके झगड़ा ही क्या आ जाता, फिर आप से लड़ने की और बैतुल्ला में जाने से रोकने की ज़रूरत ही क्या है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए, चुनाचे आपने हज़रत अली को ऐसे ही लिखने का हुक्म दिया और ये मुसलमानों के लिए यह इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ सूरत हाल थी। अगर अल्लाह ताला मुसलमानों पे, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने उस वक्त मुसलमान पर सकीनत नाजिल ना की होती तो वो इस चीज़ को, इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटाने और काटने से इनकार कर दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह लफ्ज़ कहाँ लिखा है? बताने के बाद आप ने अपने दस्ते मुबारक से मिटा दिया और इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तहरीर करने को फरमाया। इसके बाद मुहाइदे सुलहनामे में तीन बातें लिखी गई कि अहले मक्का में से जो मुसलमान होकर आपके पास आएंगे इसे वापस कर दिया जाएगा। अब ये शराइत देखिए कि इसमें सरासर मुसलमानों को अपना नुकसान लग रहा है। जो मुसलमान अहले मक्का से जा मिलेगा उसको वापस करने के पाबंद नहीं होंगे। मुसलमान आइंदा साल मक्के में आएंगे और यहाँ तीन दिन क़याम कर सकेंगे, ताहम इन्हें एहतियात साथ लाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये वो बातें थी जो क्या सुलह हुदैबिया की शराइत लिखी जाती है। तो इससे क्या वजह ही लगता है कि ये मुसलमानों के लिए इसमें कहीं भी मुसलमानों का फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या है अल्लाह ताला ने इसी सुलह हुदैबिया को आगे और देखिए कि क्या है, अगले साल जो उमरे की इजाज़त थी कि उसमें भी सिर्फ तीन दिन का क़याम लिया गया, सिर्फ तीन दिन का क़याम। आठ दिन कहा जाता कि आठ दिन का सफ़र बनता था, आठ दिन का सफ़र करके जाएंगे मुसलमान और क्या है सिर्फ तीन दिन क़याम करेंगे। तो क्या देखिए अल्लाह ताला के घर जाए और तीन दिन में इंसान कभी भी क्या सेर नहीं हो सकता, लेकिन नबी ससम ने इस बात को भी माना। तो इससे क्या है हम फरीक अगर मुखालफत पर उतर आए और इज्जत भी हो अना भी हो तो क्या है हमें क्या है अल्लाह के लिए झुक जाना चाहिए और इसी झुक जाने में अल्लाह ताला बुलंदी देते हैं कि आप हक़ पे होने पे झगड़ा छोड़ देते जन्नत के वक्त में घर की खुशखबरी है। हक़ पे होते हुए हार मान लेना तो क्या है ये आपके मुखालफीन को झुका देगा आपके आगे। और फिर इसी को फतह मुबीन कहा गया, इस झुक जाने को, कि इस सुलह हुदैबिया की कोई शर्त मुसलमानों के हक़ में नहीं जा रही थी, लेकिन क्या है इसी से क्या अमन हुआ और आके फतह के दरवाज़े खुले। ये क्या है जो मुशरिकीन की तरफ से डर था और मदीना पे हमले का, उसकी तरफ से मुसलमान अमन में आ गए और जो नबी ससम की रसालत का मकसद था कि इस दीन को आगे पहुँचाया जाए तो ये सुलह हुदैबिया उस चीज़ का ज़रिया बनी कि इसके बाद इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला, इतनी तेज़ी से मुसलमानों ने फतवाहत हासिल की और दीन को फैलाया, क्योंकि क्या है उनको अपने दुश्मन से अमन नसीब हो गया था इन उन शराइत में जो उनको बज़ाहिर अपने ख़िलाफ़ लग रही थी। तो जब मुखालिफीन सिर पर हों, जब मुखालिफ फरीक सिर पर आ जाए तो अल्लाह ताला के लिए झुक जाएँ, ज़िद ना करें जवाबन, तो अल्लाह ताला ऐसी बुलंदियाँ देंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। और देखिए इसके बाद यही सुलह हुदैबिया फतह मुबीन का सबब बनी। फिर है لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يقينا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا کر دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقینا پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال اترواتے ہوئے چین کے ساتھ نرر ہوگے اور ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے ہو، بس ان سے بھی پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر ہوگی۔ یعنی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ شک کر رہے تھے کہ اس موقع پہ کہ یہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا خواب وہ تو سچا ثابت نہیں ہوا، ہم تو بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں واپس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے نبی کا خواب سچا تھا، سچا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مکہ کے موقع پہ کیسے پورا کر کے دکھایا کہ مسلمان امن کے ساتھ داخل ہوئے، سر بھی منڈوائے گئے، سر کے بال بھی کٹوائے گئے اور نرر ہو کے داخل ہوئے۔ مسلمانوں نے جو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے کہنے کے مطابق گئے تھے بیت اللہ کی طرف، لیکن کیا جب روک دیا گیا تو اس چیز پہ کیا مسلمانوں کو شک آ گیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو کہا کہ کیا شک نہیں کرو، اللہ کا پیغمبر سچا ہے۔ اور پھر کیا بات ہوتی ہے، بس ان سے پہلے ایک نزدیک اپنے نزدیکی فتح تمہیں میسر آئے گی، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ نزدیکی فتح یعنی یہ صلح حدیبیہ تمہارے لیے فتح خیبر اور فتح مکہ کا سبب بنے گی، کیونکہ یہ عظیم قسم کی فتوحات تھی۔ صلح حدیبیہ کے ملک میں مسلمان 1500 تھے، اس کے بعد دو سال میں مسلمانوں کی تعداد 10000 تک پہنچی، یعنی کیا ہے صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہے مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل کتنی تھی مدینہ میں 1500، لیکن ان دو سالوں میں یہ ہے مسلمان 10000 کا لشکر بنا اور جنہوں نے کیا ہے فتح مکہ میں شرکت کی، یعنی جو گئے مکہ کی طرف، تو اسی سے کیا اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پہ غالب کر دے، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, ये वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे हर दीन पर गलबा अता फरमा दे, यानी इस्लाम का गलबा दीगर अदियान पर दलाइल के साथ वाज़ेह हो जाए और क्या है मुसलमान हर लिहाज से क्या है गालिब आ जाए। आज ये क्या अल्लाह ताला के लिए काफ़ी है कि वो गवाही देने वाला है किस चीज़ की वकफ़ा बिल्लाह शहीद है, यानी अल्लाह ताला किस चीज़ की गवाही देना है कि इनकी ये सब कुछ हो कर रहेगा, इस्लाम का गलबा मिल कर रहेगा। محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں تو انہیں نہیں دیکھتے کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور رضامندی کی جستجو میں ہے, ان کا نشان ان کے چہروں اور سجدوں کے اثر سے ہے, ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے, مثل اس کہتی کہ جس نے اپنا اخبار ڈالا اور پھر صحیح مضبوط کیا, پھر وہ موٹا ہو گیا, پھر اپنے تنے پہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے, ان ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کیسے ہیں, اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہیں, یعنی جب مسلمان دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں سخت جاں ہوتے ہیں, لیکن جب آپس میں مسلمان آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو وہ انتہائی رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو انہیں دیکھے کہ رکوع سجدہ کر رہے ہیں, اتنے رحم دل ہیں, اتنی نیکیاں کرنے آگے سبقت کرنے والے, نیکیوں میں بھاگ بھاگ کے غزوات میں شرکت کرنے والے, لیکن کیا ہے پھر بھی نیکی کو تکبر نہیں ہے, رکوع سجدہ کر رہے ہیں, عبادات میں کمی نہیں کر رہے ہیں, تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق دینے کے غزوات کا حکم آ رہا ہے تو غزوات میں شرکت ہو رہی ہے, جنگوں پہ جہاد پہ بلائے جائے تو جہاد پہ شرکت ہو رہی ہے, لیکن کیا ہے رکوع اور سجدہ یعنی اپنی عبادات کو پیچھے نہیں چھوڑنے کے, اب تو ہم کہے یا جہاد کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے تو اتنے اجر لکھ دیے گئے ہیں, تو ابھی تو صلح حدیبیہ والے سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں, تو یہ اب تو ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں رہی, بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رکوع اور سجدے بھی کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق پورا ادا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی رضامندی کی جستجو میں ہے, یعنی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانے کے لیے, ان کا نشان ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثر سے ہے, ان کی مثال تورات میں ہے, ان کی مثال انجیل میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی جو خوبیاں ہیں وہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں, یہی خوبیاں تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں, یعنی یہ تمام چیزیں ایسے لوگ کی صفات اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کر رکھی ہے, یہ صحابہ کرام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ ابتدا میں تھوڑے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتے گئے, یعنی کھیتی ابتدا میں کمزور تھی پھر دن بہ دن کبھی ہوئی حتیٰ کہ مضبوط اپنے تنے پہ قائم ہوگی, اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان آپ پہلے کیا تھے, ایک جس طرح بیج بویا جاتا ہے کھیتی تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ کتنی کمزور ہوتی ہیں لیکن دن بہ دن کبھی ہوتی جاتی ہے اور آخر کار وہ جم جاتی ہے, تو یہی حال مسلمانوں کا تھا, شروع میں تو ان کے لیے مشکل تھی اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے ایمان میں جم گئے اور اس حد تک جم گئے کہ موت پہ بھی بیعت کر لی, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتے ہیں کیا کافر غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں, مسلمانوں کو پلتا بڑھتا آگے جاتا فتوحات کرتا دیکھتے قوت طاقت میں دیکھتے تو کیا کافر غصے کا شکار ہو جاتے, وہ جب غصہ آتا تو کیونکہ وہ ان کو اتنا غصہ تھا کہ اسلام کا دائرہ پھیل رہا ہے کفر کا دائرہ سمٹ رہا ہے, تو یہ جو کہ صحابہ کرام سے بوجھ رکھ رہے ہیں اناج رکھ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کی کامیابیاں صحابہ کے اخلاق کردار جس سے لوگ کے ہیں کافر لوگ کے ہیں بوجھ و ناز رکھتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کو کافر قرار دے دیا کہ جو ان صحابہ سے بوجھ رکھے گا وہ کیا ہے وہ کافر ہے, علاوہ اس فرقہ ازالہ میں دیگر عقائد پہ بھی کفر ہی دلیل ہے, اس پوری آیت میں کیا ہے مسلمانوں کی عظمت فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور آخری اخروی مغفرت اور اجر عظیم کا واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کے ایمان میں کوئی شک کرنے والا نہیں ہے اور مسلمانوں کو دعویٰ کرنے والے جو تھے ان کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے, تو یہاں کیا ہے نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا بہت بڑے وعدے کا سب وعدہ کیا ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے دنیا میں بھی عزت کا معاملہ کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بخشش ہو بڑے ثواب کا وعدہ ہے اجرن عظیمہ ہے, تو کیا ہے کیا کم پتہ چلتا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے عمل بھی کرنا ہے, اس پوری صورت کا میسج کیا بنتا ہے کہ جب ہم سے ہمارا دین قربانی مانگے اور ہم اس کو چھوڑ جائیں تو ہم بہت ساری زندگی بھی نیکیاں کرتے رہے ہم اس نیکی کے درجے کو
उस बुलंदी को नहीं पहुंच सकते जब इस्लाम को, जब दीन को हमारी ज़रूरत हो और हम क्या है अपनी ज़ाती मसरूफियात का बहाना बना दें। तो जो लोग अल्लाह ताला की पुकार पे फौरन हाजिर हो जाते हैं तो क्या है ये चीज़ उनको ईमान में भी बढ़ाती है, उनके अखलाक व किरदार को भी मजबूत कर देती है, अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बनती है। तो जब जैसे जिस तरह हमें अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम लाना है तो फिर हमें इस चीज़ को अपने आगे सामने रखना है कि क्या है जब अल्लाह ताला का हुक्म आए हमें हाजिर होना है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए अजर अजीमा का बाइस बनेगी। यहाँ तक काफ़ी है। आप अपने सवाल salam@quranic.com पर भेज सकते हैं, quranic.com पर भेज सकते हैं। دعا کر لیتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و اتوب علینا انک انت التواب الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ